हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं एआरके ऐप्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा एक मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने अक्सर किया है और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे नए डेवलपर्स हैं वो लोग भी ऐसा करते हैं और जो नया ऐप बनवाना चाहते हैं वो लोग भी ऐसी मिस्टेक अक्सर करते रहते हैं। ये मिस्टेक कौन सी है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी हिट करना मत भूलना। तो दोस्तों, मैंने ये मिस्टेक बहुत टाइम किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इस मिस्टेक से सीखो और आप ऐसा मिस्टेक मत करो। तो दोस्तों, वो मिस्टेक है परफेक्शन। जब भी हम कोई नई ऐप बना रहे होते हैं या फिर बनवा रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी ऐप जो हो ना वो एकदम परफेक्ट हो, एकदम अच्छी तरीके से अच्छे फीचर हो उसमें, और मतलब जो मेरा फर्स्ट ऐप हो वो मेरा एकदम बेस्ट ऐप हो और एकदम मतलब उसमें सारे फीचर्स हो, सारी चीज़ें हो और मतलब एकदम बेस्ट, एकदम तगड़ा वाला ऐप हो जिसको मैं मार्केट में डालूं और डालते ही मेरे को मतलब क्या तो क्या हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अक्सर मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है कि अगर मान लो कोई नया आइडिया है, कोई नया ऐप का आइडिया है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने लगते हैं और उसको परफेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि जो हमारा ऐप है और उसको बनाने में बहुत टाइम चले जाता है, उसको परफेक्ट करने में, बहुत सारे फीचर्स को डालने में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा आइडिया रहता है वो धीरे 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 हमारा जो मोटिवेशन रहता है उसके ऊपर ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐप बन के तैयार होता है तब तक तो पूरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है कि मतलब क्या करें, कैसे मार्केटिंग करें, फिर उसके बाद मतलब कुछ दिमाग काम नहीं करता। तो इससे अच्छा है कि भाई जब भी आप कोई एक नया ऐप बना रहे हो और बनवा रहे हो तो आप क्या करो, अपने ऐप में बहुत 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 कम चीज़ों को इंक्लूड करो, बहुत कम चीज़ों को इंक्लूड करो, एकदम कोर मेन फीचर्स को इंक्लूड करो जिससे कि आपका ऐप चल जाए। जैसे कि अगर आप YouTube देखते हो, ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो, तो YouTube का मेन फीचर, कोर फीचर क्या है? कोर फीचर यह है कि YouTube पे वीडियोस को देख सकते हो, YouTube पे वीडियोस को देख सकते हो, ये इसका मेन और कोर फीचर है। अगर ये फीचर हटा दो तो YouTube कुछ नहीं है, नथिंग। तो इसके अलावा जो फीचर है कि इसमें आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और प्लेलिस्ट बना सकते हो, हिस्ट्री आपकी जो रहती है वो देख सकते हो और वॉच लेटर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है, ऐड ऑन है। ये सारी चीज़ों को आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो मेन फीचर है, कोर फीचर है कि वीडियोज़ प्ले होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब के लिए वीडियोज़ प्ले होनी चाहिए, तो वो कोर फीचर आप अपने ऐप में डालो। आपका जो मेन पर्पज़ है, जो ऐप बनाने का मेन पर्पज़ है, कोर पर्पज़ है, वो आप अपनी ऐप में डालो और ऐप को पब्लिश करो प्ले स्टोर पे, कहीं पे भी पब्लिश करो, जहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ पे पब्लिश करो। फिर उसके बाद धीरे 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 नया अपडेट करते जाओ और चीज़ों को परफेक्ट करते जाओ। कभी भी ऐसा मत करो कि भाई चीज़ें जब पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगी, पूरी तरीके से सारे फीचर ऐड हो जाएंगे तो मैं इसको लाइव करूँगा, तो मैं मतलब मार्केट में लेके जाऊँगा। तो ऐसी गलती मत करो दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मेरी दो एप्लीकेशन ऐसी ही अटक के रह गई और नए आइडिया थे, अच्छे आइडिया थे, लेकिन उसको बनाने में, ऐप बनाने में 6 महीने लग गया, 3 महीने लग गया। तो इससे क्या हुआ, क्या कि जो भी आइडियाज़ थे वो धीरे धीरे फिर ऐसे होने लगा कि यार नहीं यार छोड़ो, चलो जान दो अब दूसरे आइडिया। देखो, क्योंकि आइडियाज़ तो हमेशा नए नए आते ही रहते दिमाग में, तो इससे अच्छा है कि आपके पास अगर कोई एक आइडिया है तो उसको जल्दी से एक्शन में लाओ, जल्दी से उसको मार्केट में लाओ, जल्दी से उसको टेस्ट करो और अच्छा है, चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो फिर दूसरे पे जाएंगे। अगर आप एक ही आइडिया में बहुत टाइम लगा दोगे उसको बनाने में ही, हो सकता है वो फेल भी हो जाए, हो सकता है चल भी जाए, लेकिन जो उस आइडिया को बनाने का जो मोटिवेशन रहता है वो खत्म हो जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि चीज़ों को परफेक्ट करने के चक्कर में मत जाओ, जो आपके मेन फीचर है, कोर फीचर है, उनको इंप्लीमेंट करो और मार्केट में लाइव करो अपनी ऐप को। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये एक जो गलती थी मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखी है और मैंने खुद ये भी गलती की है, तो मैं सोचा आप लोगों को जरूर से सजेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। गुड डे एंड टेक केयर।